कैंडिडाइसिस एज सच सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो बीमारियां हैं जिनको कहना चाहिए सोसाइटल उस तरह से एबनॉर्मैलिटी फॉर्म में लेते हैं, यू नो सोशल स्टिग्मा के तौर पे लेते हैं, ये दिस इज़ नॉट लाइक दैट टाइप ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, लेकिन बहरहाल ये कॉन्टैक्ट से मियाँ बीवी को एक दूसरे से लग सकता है। हम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर नाज़ली हमीद है, आपसे वक्तन फवक्तन इंटरेक्शन रहता है। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो फंगल इन्फेक्शन है, जिसको आम जबान में कैंडिडाइसिस कहा जाता है। फंगल इन्फेक्शन मुख्तलिफ तरह का, वजाइना में जो इन्फेक्शन है वो मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं, मुख्तलिफ जरासीम से हो सकते हैं। उसमें से एक कैटेगरी जरासीम की जो है उसको फंगस कहते हैं, ठीक है, और उस फंगस में से भी एक ख़ास किस्म का फंगस है जिसको कैंडिडाइसिस कहते हैं। और क्योंकि ये कॉमनेस्ट कॉज है फंगल इन्फेक्शंस में, तो आम तौर पे फंगल इन्फेक्शन को या कैंडिडाइसिस को लोग एक दूसरे के मतलब रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ कर लेते हैं। सो ये रिलेटिवली एक कॉमन वजाइनल इन्फेक्शन है, क्योंकि कैंडिडा जो है वो आपके वजाइना में नॉर्मल फ्लोरा में मौजूद होता है, और जिस वक्त भी किसी भी वजह से बॉडी में रेजिस्टेंस की कमी आती है, फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट जो है वो स्ट्रेस में है, एनजाइटी में है, फॉर एग्जांपल अगर उसको कोई बीमारी है, कोई इलनेस है, या वो किसी वजह से एंटीबायोटिक थेरेपी ले रहा है, कोई डायबिटिक पेशेंट है, प्रेग्नेंट हैं ख़वातीन, तो उस टाइम में क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स आपकी बीवी की इम्यूनिटी का फ़ायदा उठाते हैं और वो फिर उस वक्त उस जगह पर इन्फेक्शन करते हैं कैंडिडाइसिस। कैंडिडाइसिस एज सच सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो बीमारियां हैं जिनको कहना चाहिए सोसाइटल से एबनॉर्मैलिटी फॉर्म में लेते हैं, यू नो सोशल स्टिग्मा के तौर पे लेते हैं, ये दिस इज़ नॉट लाइक दैट टाइप ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, लेकिन बहरहाल ये कॉन्टैक्ट से मियाँ बीवी को एक दूसरे से लग सकता है। और इसमें इम्पॉर्टेंट बात भी ये है कि जब ये इन्फेक्शन हो तो दोनों को ट्रीट किया जाए। और आम तौर पे बार बार ये इन्फेक्शन होने की एक बड़ी वजह ये भी होती है कि स्पाउस को ट्रीट नहीं किया जाता, और स्पाउस को ना ट्रीट करने की भी बड़ी वजह ये होती है कि सिम्टम्स आम तौर पे अलामात जो है वो सिर्फ ख्वातीन में होती हैं, और इसलिए प्रिस्क्राइब करने वाले भी एट टाइम्स नहीं प्रिस्क्राइब करते, या अगर प्रिस्क्राइब करते हैं तो पेशेंट्स की तरफ से भी रेजिस्टेंस फेस करने में आता है कि हस्बैंड को क्यों दिया जाए, क्योंकि हस्बैंड को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स होते हैं हस्बैंड्स, और फिर दोबारा से इन्फेक्शन हो सकती है। सो इसमें भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम अपना इम्यूनिटी लेवल अच्छा बिल्ड करके रखें, अगर डायबिटीज़ है तो उसको अच्छा कंट्रोल करके रखें, अगर प्रेगनेंसी है तो उसमें भी हाइजीन का ख़ास तौर से ख्याल रखा जाए। तो उसके अलावा यानी अब अगेन वही बात है कि हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हों, बहुत ज़्यादा अगर आप शुगरी फूड्स ले रहे हैं तो वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो यानी आप हेल्दी जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, योगर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करें, विटामिन्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और उसके साथ आप अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करें तो ये इन्फेक्शन कम होता है। लेकिन बहरहाल ये कोई ऐसा बहुत ख़तरनाक इन्फेक्शन नहीं है। आम तौर पर एक रिप्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ लाइफ में, यानी जो आपका एज ग्रुप है 20 से 45-48 साल तक की एज का, उसमें ख़वातीन को दो तीन से चार दफ़ा हो जाता है ये इन्फेक्शन, और उसमें इसको ट्रीट कर लेने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन हाँ, अगर बहुत बार बार हो रहा है, यानी एक ही साल में बार बार हो रहा है, मुतअद्दद दफ़ा हो रहा है, तो देन यू नो वी नीड टू फाइंड आउट कि क्या वजह है जिसकी वजह से बॉडी रेजिस्टेंस इतना कॉम्प्रोमाइज्ड है कि ये इन्फेक्शन बार बार हो रहा है। और इसमें जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ये उस तरह से स्टिग्मा वाला ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है, लेकिन ये कॉन्टैक्ट से लग सकता है, जैसे स्पाउस के कॉन्टैक्ट से भी लग सकता है। इसी तरह अगर कोई प्रेग्नेंट खातून है और उसको वल्वोवजाइनल कैंडिडाइसिस है तो बच्चे को डिलीवरी के बाद डायपर रैश ज़्यादा हो सकता है, इसलिए उस वक्त पर भी इसको ट्रीट करना बहुत कॉमन है। इसी तरह अगर ब्रेस्ट के इर्द गिर्द और ग्रोइन के एरियाज़ में और एक्सिलरी एरियाज़ में फोल्ड्स में ज़्यादा इन्फेक्शन है तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स से बच्चे को भी ओरल थ्रश हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन मुंह में हो सकता है। अच्छी बात यह है कि फंगल इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा दूसरे इन्फेक्शंस की तरह उसकी कोई बहुत लंबी चौड़ी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, यानी वो मुस्तकबिल में बांझपन नहीं करता, उसके साथ ऐसा नहीं है कि डिलीवरी वक्त से कबल हो जाए, यू नो किसी पेशेंट को उस इन्फेक्शन की वजह से प्री टर्म डिलीवरी हो रही है या कोई लॉन्ग टर्म कैंसरस चेंजेस हो रही है। लेकिन बहरहाल उसमें जो इचिंग होती है और उसकी जो सोरनेस है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे होती है, तो फौरी तकलीफ़ ज़्यादा
شدید ہوتی ہے اور اس کے لیے پیشنٹس ہمارے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں اگر آپ کسی وجہ سے اپروچ نہیں کر سکتے تو جو امیڈیٹ سودنگ ایجنٹس آپ گھر پہ لگا سکتے ہیں فار ایگزامپل آپ کوکونٹ آئل یوز کر سکتے ہیں آپ صرف یوگرٹ یوز کر سکتے ہیں آپ صرف گارلک یوز کر سکتے ہیں لگانے کے لیے ٹی ٹری آئل ہے جو آپ یوز کر سکتے ہیں سو یہ وہ چیزیں ہیں جو ٹیمپری سودنگ افیکٹ پرووائڈ کرتی ہیں یا جب آپ اینٹی بایوٹک یا اینٹی فنگل میڈیسن لے رہے ہیں اور اینٹی فنگل میڈیسن لینے کو اگر ایک آدھ دن لگ رہا ہے اثر اور امیڈیٹ سمٹمس کیونکہ پیشنٹس میں بہت سویئر ہوتے ہیں تو یہ سمپل لوکل ریمیڈیز ہیں چھوٹے سے ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں کہ جس سے آپ امیڈیٹلی اپنا جو تکلیف کا لیول ہے اس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں اور ٹریٹ کر لینا امپورٹنٹ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ادروائز آپ اپنے اسپاؤس کو بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں وائس ورسا ہو سکتا ہے ہسبینڈ سے وائف کو لگ سکتا ہے وائف سے ہسبینڈ کو لگ سکتا ہے لیکن عام طور پہ کیونکہ ہسبینڈ سائلنٹ کیریئرز ہوتے ہیں تو اس لیے وہ اتنا نوٹس نہیں کیا جاتا تو اس کو ٹریٹ کر لینا بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ کو میری اپوائنٹمنٹ لینی ہو تو آپ مرہم کے پلیٹ فارم سے لے سکتے ہیں اور آپ پہلے بھی مجھے مختلف چیزوں کے لیے مرہم کے پلیٹ فارم سے اپروچ کرتے رہے ہیں سو یو آر ویلکم فار دا فیوچر ایز ویل تھینک یو ویری مچ ہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں ابھی مرہم ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے 2000 سے زائد اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں